थोड़ा ऐसा ऑफ स्पिन वाला, थोड़ा स्पिनर का, और ये बहुत ऊपर है, ये नहीं है और नीचे, और नीचे, हाँ ये ठीक है बस। तो एक्चुअली क्या बोलना है कि अंपायर को विकेट और अंडरग्राउंड बोलिंग? नहीं, ओवर द विकेट ही बोलना है आपको, अंडर द ग्राउंड जाना है। तो बेसिकली मैं आपको अभी खड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मैं खड़े रह के भी इसी हाइट में आता हूं। तो दैट्स परफेक्ट है। और बजूपा बेसिकली एक फ्लोर कम। हाँ, और बजूपा का, बजूपा का तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा, वही मुझे बताएंगे। नहीं नहीं, ये बॉल तो मैंने भी सीखना है यार। नहीं क्योंकि ये बॉल मैंने कभी किया नहीं, और वैसे नॉर्मली ऑफ स्पिन ना सीधी चलती है, ठीक है, स्पिन जब कराता है ना आदमी तो सीधी आगे की तरफ चलती है, ऑफ स्पिन भी लेग स्पिन भी। इकलौता दुनिया में ऐसा बॉलर है जिसकी बॉल जब छूटती है ना तो पीछे की तरफ स्पिन होती है, तो जैसे लट्टू छोड़ते हैं ना ऐसे करके खींच लेता है, वैसी बॉलिंग करता है, कमाल की बॉल है वो, मतलब हम चाह के भी वो बॉल नहीं कर पाते। बट ये पूछना है यार केदार, पूना से हैं आप और पूना के लोग थोड़ा आलसी होते हैं, बुरा मत मानना। तो हम लोग जब बिल्डिंग में खेलते थे तो शुरुआत में जोर से, और फिर जब विकेट नहीं मिलती थी तो आके ऐसे डाल दिया, तो गली क्रिकेट से ही इंस्पिरेशन लगती है आपकी बॉलिंग एक्शन? नहीं, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जैसे लेजी वाली जो एटीट्यूड है पुणे वाला, लेट बैक, तो उसी की वजह से एक्चुअली जब मैं नेट में बॉलिंग कर रहा था प्रैक्टिस में धर्मशाला में, मुझे याद है जब धोनी भाई ने मुझे बोला था कि 2-3 ओवर डालने पड़ेंगे कल, क्योंकि किसी बॉलर का अगर ख़राब दिन चल रहा है तो मैं नॉर्मल ऑफ स्पिन डाल रहा था। तो नॉर्मल ऑफ स्पिन जो डालते हैं पार्ट टाइम बॉलर, उसको तो मतलब 10 नंबर का बैट्समैन भी आके मारने को लग जाता है कि ग्रांटेड ले लेते। तो मैं बोर हो गया, मैं बोला कैसे भी डालूँ तो ये मार ही रहे, तो मैं कुछ ट्राई कर रहा था। तो मैंने एक बॉल ऐसे डाल के ट्राई किया तो बॉल उठी नहीं वो ऊपर, और वो डाली थी मैंने लेग स्टंप के बाहर। तो तब अमित मिश्रा जी बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा पैर डाल के छोड़ दिया, तो मेरा बॉल वहाँ से लैंड तो यही हुआ, हाथ वहाँ था ऐसा घूम रहा था, तो यहाँ से छोड़ा तो लैंड करके पैड को लग गई। तो बोली और तेरी ये क्या किया तूने? तो मैं बोला मैंने तो जस्ट डाला। तो हम तब अनिल भाई कोच थे, तो मैंने अनिल भाई को बोला कि अनिल भाई ये जस्ट एक्शन चेक कर लो, ये डाल सकता हूँ क्या मैं मैच? तो मैंने वापस डाला वैसे, तो अगेन मैंने वैसे छोड़ा और बॉल वहाँ से स्टम्प में आ रही है, बट आप नॉर्मल ऐसे खड़े रहोगे तो लगता है कि ये तो वाइड जाएगी। तो अनिल भाई बोले एज लॉन्ग एज योर हैंड तेरे शोल्डर के ऊपर से आ रहा है दैट्स फाइन। तो मैं और नीचे नीचे टांगों से नीचे और ग्राउंड फ्लोर पे चले गए। बिल्कुल, मैं तो जब कमेंट्री करता हूँ ना तो इसकी बॉलिंग देखने का वो मज़ा आ जाता है, वो जो स्पेल होता है ना, मेरे को लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी कमेंट्री बहुत बढ़िया होती रहेगी, क्योंकि उसमें ना फन एलिमेंट ऐड हो जाता है, क्योंकि ऐसी बॉलिंग पहले कभी देखी ही नहीं है मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अगर अच्छा हुआ वैसे यार तो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में आया नहीं तो मेरा नंबर भी ले जाता ये। मैंने एक दिन वो ट्विटर पे भी पूछ लिया था, मैंने कहा यार कि इस बॉल का नाम क्या होना चाहिए, एक ऑफ स्पिन ऐसे होती है, एक थोड़ी साइड स्पिन होती है, ये बॉल क्या है? हम बोल देना क्या है वे, ये क्या है? तो ये बॉल का नाम मैंने दिया चकली बॉलिंग। चकली मतलब लटक पे हम लोग एक नया बॉल डिस्कवर करने वाले। जब मैं किसी भी बैट्समैन के पैड पे मारता हूँ और LBW का अपील होता है तो DRS में फोर्थ अंपायर या थर्ड अंपायर जो भी है उसने अंपायर को बोलना चाहिए कि आई एम नॉट गिविंग दिस बैट्समैन आउट बिकॉज द बॉल इज नॉट रीचिंग टिल द स्टंप्स। तो वही खत्म हो जाता है, रिटर्न आ गया। तो लाइक यू नो इफ आई कुड एवर, तेरा क्या फायदा होगा, तुझे तो विकेट नहीं मिलेगा उसमें। नहीं ऑब्वियसली, बट बैट्समैन और डरेंगे ना कि यार बॉल उसका स्टंप तक नहीं पहुंचा है तो मैं कैसे साइड बॉल पे लग गई अगर दूसरे विकेट पे तो कैसे, मतलब कैसे खेल पाऊंगा या कैसे मार पाऊंगा। साइंटिस्ट है मेरा भाई, साइंटिस्ट है। इनकी जो डेवलपमेंट हुई है वो MS धोनी के केमिस्ट्री के कारण ही हुई है ना पूरी। हाँ, जो बॉलिंग का तो मैं कभी कभी लगता है यार MS धोनी को ना बॉलिंग कोच बना दो इंडिया का रिटायरमेंट के बाद। नहीं 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 सर, हमें भी कुछ करने दो, सब कुछ MS धोनी करेंगे तो हम क्या करेंगे। मगर डायरेक्शन करते ना सर, हर बॉल को डायरेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्टर बना दो क्रिकेट का। मगर आपके साथ नहीं हुआ ऐसे क्या? नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसे प्लॉट नहीं मैंने किया, मगर मैं मुझे याद है कि जब केदार बॉलिंग कर रहा था, एक अफगानिस्तान के ओपनर हैं जो बहुत ठीक ठाक शॉटें मारते हैं, मैं उनका नाम शहजाद, तो वो बैटिंग कर रहे थे ठीक ठाक, उन्होंने उस दिन पिटाई कर रहे थे इंडिया की और 100 रन बना दिया था मेरे ख्याल से। तो केदार बॉलिंग करने आया था तो MS ने वो बोल रहा था उसको कि इसको स्टंप में मत डालना और दूर रखना बॉल, मुझे याद है वो उसने दूर रखा और उसने मारने गया और आउट हो गया। मैंने मुझा और एक इंसिडेंट है वैसे, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मुझे याद है, तमीम इकबाल और मुशफ़िकुर रहीम की पार्टनरशिप हो रही थी, तब मैं बॉलिंग को आया था। तो एक ओवर डालने के बाद
मैंने उसको मारने नहीं दिया था तमीम को, तो माही भाई ने मुझे बताया था कि ओवर ख़त्म होने के बाद कि ये अगले ओवर तू अगर आ गया वापस तो ये तुझे ट्राई करेगा चौका मारने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ऐसे प्लेयर रहते हैं जिनको ईगो पे आ जाता है कि पार्ट टाइम बॉलर है, इसने कैसे मुझे चार पांच डॉट डाल, टेक ऑन द बॉलर उसके मन में है, तो ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने यही बोला था कि ये आगे के पैर से ही मारेगा, पीछे कोई तुझे मारने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो जो भी करना स्टम्प में रखना और जितना हो सके धीरे रख सकता है ताकि वो कमिट न कर पाए। तो मैंने ऑब्वियसली वो दिमाग में रखा, तो मैंने एक दो बॉल वापस तेज़ तेज़ रखे ताकि वो वो निकल के ना मार पाए। तो जैसे ही मुझे लगा कि अभी ये घुमाएगा आड़ा 2%, तो मैंने एकदम बहुत ही धीरे से जितना मतलब कोशिश हो पाया उतना धीरे बॉल स्टंप में छोड़ दिया, तो उसने पूरा स्लॉग स्वीप उसने घुमाया और उसका शॉट पूरा होने के बाद बॉल पास किया ऐसे और बेल्स गिर गई ऐसे, मुझे अभी भी याद है। तो मतलब छोड़ दिया जा। इसने ना अभी एक बात बड़ी अच्छी बोली कि धोनी ने इसको बोला कि तुझे बैकफुट से मारने दे, इसको बैकफुट से जो छक्का मारेगा ना, मैं आज ये सबके बीच अनाउंस कर रहा हूँ, जो बैकफुट से इसको छक्का मारेगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम है। बैकफुट से छक्का इसको लग ही नहीं सकता, पहुंचेगा नहीं, नीचे ही नहीं जा सकता। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मगर आपके बारे में आपके एक एक्स कप्तान ऐसे नहीं कहते, कहते कि हरभजन सिंह और कुंबले अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सुनते ही नहीं है कप्तान की, ये अगर बोलो भजी अभी तू रुक जा हाँ करके निकल जाते हो और अपनी बॉलिंग कंटिन्यू करते हो, ये भी सच है। एक्स कप्तान कौन पर ये मुझे वीरेंद्र सहवाग अच्छा एक मैच में हाँ मुझे याद है, वो कप्तानी उनको मिली थी अहमदाबाद में, वो मैच था टेस्ट, वहाँ पे बॉल पुराना हो गया था, मैंने 4 आउट कर चुका था और तब मुझे वीरू पासा के बोलता है कि बॉल नया ले ले, मैंने कहा बॉल नया ले ले पर बॉलर सेम रहेंगे, इधर से तो मैं ही करूँगा, उधर से जिसको करवानी है। मैंने 4 विकेटें लिए, मेहनत की है यार, अब सीमर आ गया बॉल डाले, नीचे के बैट्समैन है 2-2 बॉलें खेलेंगे, मैंने कहा चाहे मेरी 4 बॉलें लग जाए पर बॉलर नहीं चेंज होंगे, न्यू बॉल हो या ओल्ड बॉल बॉलिंग मैं ही करूँगा, बॉलिंग मैं करूँगा क्योंकि मैंने 4 आउट किए हुए हैं और ये 5वां विकेट मुझे मिलना चाहिए, इसको मैं डिजर्व करता हूँ। चलो सर अभी जरा बैटिंग की बात करेंगे, आपने 2 मेमोरेबल इनिंग्स एक्चुअली बहुत मेमोरेबल इनिंग्स खेले हैं, मगर मुझे MS के साथ चेज़ याद है और फिर विराट कोहली के साथ जो चेज़ हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन पूना, फर्स्ट ODI था मेरे ख्याल से, और ऐसे रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही थी, मुझे ऐसे मन में लगा ये यार अपना पूना का भाई है, शायद ये जाके विराट कोहली को बोलेगा कि भाई थोड़ा तो धीरे भाग लिया कर, इतनी बढ़िया फिटनेस, और उसके बाद मैंने देखी आपकी फिटनेस भी बढ़ती चली गई, तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। जी मैं पर्सनली ऐसे बिलीव करता हूँ कि जो भी फिटनेस ट्रांजिशन हुआ है पूरे इंडियन टीम का और ओवरऑल इंडियन क्रिकेटर्स का, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ विराट हैज़ टेकन अप द फिटनेस थिंग एंड एवरीबडी सीइंग हाउ यू नो वट एवर फिटनेस ही हैज़ अचीव द रिजल्ट्स ही इज़ गेटिंग, यू नो द इज एबल टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म इन ऑल द फॉर्मेट। अच्छा यही बात आप हिंदी में बोल दे हिंदी में हाँ बात ऐसी है कि वो जो मैच था मेरा 13वां ODI था तो पुणे में था, तो उसके पहले 10 दिन मुझे अभी भी याद है, मैं एक क्लब गेम खेल रहा था और मुझे एक थोड़ा सा इंजरी हुआ था, इंटरकोस्टल टेयर हो गया था, तो बट मुझे एनी हाउ ये मैच खेलना था क्योंकि मैं बहुत ऐसा साइंस में बिलीव करता हूँ कि यू नो आई फील कि बहुत बार ऐसे यूनिवर्स गिव्स यू अ साइंस यू नो कि वेयर यू फील कि दिस थिंग इज आपके लिए बन रही है, तो आई वॉज फीलिंग दैट कि ये पुणे में मैच हो रहा है, पुणे का मैं पहला क्रिकेटर हूँ जो होम ग्राउंड पे इंडिया के लिए खेल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि ये सब बन रहा है, ये स्टेज मेरे लिए सेट हो रहा है। तो मुझे अभी भी याद है जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो जैसे ही वो रन मार रहे थे यू नो, तो मैं खुश हो रहा था कि यार थोड़े और रन बनाओ ताकि मुझे भी बैटिंग आए, यू नो, क्योंकि मुझे पता था 270 या 280 बना लेते तो हमारी टॉप ऑर्डर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो तीनों में से कोई एक तो सेंचुरी कर ही देता है और आराम से मैच हो जाता है, तो मैं खुश हो रहा था कि 300 कर रहे हैं, 325 350 पहला बैट्समैन था जो मारो मारो कोई बात नहीं, मैं 400 तक ले जाओ मुझे 200 मारने, तो मैं खुश हो रहा था। और मुझे याद है कि जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई तो एक एक विकेट गिरता गया और जैसे ही मैं पैड पहन के बाहर डगआउट तक पहुंचूं तब तक आई गेस धोनी भाई भी जस्ट आउट हो गए, तो मुझे बाहर बैठ के जो आखिरी थॉट रहता है नर्वसनेस वाला वो भी नहीं आने दिया, आई स्ट्रेट मतलब मैं अंदर गया
और मतलब उस दिन पूरा ऐसा था कि मुझे अभी स्क्वायर कट का मारना है, मुझे चौका चाहिए, तो बॉल स्क्वायर कट को आ जाती थी, तो चौका। सो बहुत बार ऐसे रहता है कि यू नो व्हाट यू थिंक पॉजिटिविटी लाइक इट रिफ्लेक्ट्स इन योर गेम, इट इज़ लाइक, सो इट इज़ ऑल डिपेंड कि आप कैसे सोचते हो। और तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यू नो फिटनेस वाला, तो मुझे अभी भी याद है जब से यो-यो टेस्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, तो हम थोड़े ये थे कि यार ये बहुत क्या है, मुश्किल वाला टेस्ट है ये। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो स्ट्रेंथ वाला फिटनेस करते थे, कार्डियो वाला नहीं करते थे, बट इवेंचुअली जैसे टाइम पास हो गया, नाउ आई हैव रियलाइज कि यू नो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था जो विराट एंड यू नो मैनेजमेंट ने लिया, एंड दे स्टूड बाई दैट यू नो, and it has definitely given not just me but even see our fast bowlers also in today, you know, test match agar jeetna hai to panchve din agar aapka bowler 140 se dal raha hai to aakhri spell mein bhi, to that is your victory in terms of efforts, that aisa mujhe lagta hai, kyunki as long as aap completely dedicated committed effort dete ho 11 jan to result obviously most of the time will be in your favor, aisa mujhe kya baat hai। yo-yo test mujhe jab pehle baar aaya tha na ye yo-yo test, ha तो मुझे लगा शायद इसमें गाने सुनते हैं यो 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 यो, 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 यो। तो मैंने कहा यार मैं भी जाऊंगा, मुझे अनिल भाई ने बोला यार तूने वो यो यो देना है टेस्ट, मैंने कहा अनिल भाई वो तो मैं आराम से पास कर लूँगा। मैं वहाँ गया, मैंने कहा शायद कोई माइक वाइक पड़ा होगा सामने, मैं गाना गाऊँगा। वहाँ उन्होंने लाइनें बनाई है कि यहाँ भागना है, मैंने कहा मैं यो यो टेस्ट देने आया हूँ, कहता यही यो यो है। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से वही है यो यो हनी सिंह। म्यूजिक तो है बट वो म्यूजिक पसंदीदा म्यूजिक नहीं है, जो बीप 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 वो बीप वाला जो म्यूजिक है उसके पहले आपको पहुंचना है, धड़कन तेज हो जाती है। हाँ। वो एक जमाना था 3-4 साल पहले, मुझे लग रहा था कि हरभजन सिंह प्रोबेबली सीइंग यू नो अभी टाइम आ गया है, बट अभी जो हरभजन सिंह मुझे दिख रहा है अगेन यूथ में द फिटनेस दैट यू हैव राइट नाउ, ये ट्रांजिशन विराट कोहली का इन्फ्लुएंस है या ये खुद आपने डिसाइड किया? मैं देखो अगर ये यंग टीम जो है विराट कोहली की बात करूं, केदार की बात करूं, केदार भी पहले कि अगर मैं इसकी फिटनेस देखूं, राज फिटनेस देखता हूं, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, जैसे इसने लीन किया अपने आप को और यू नो चैनलाइज किया अपनी एनर्जी को। तो वैसे ही मैं थोड़ा सा, मेरी शादी का माहौल था तब मैं मतलब खा पी के थोड़ा सा तगड़ा हट्टा खट्टा हो गया था और अदरक की तरह फैल रहा था इधर से उधर से हर जगह से, मतलब उल्टे सीधे जगह से मैं बढ़ रहा था। तो मुझे एक दिन इन्होंने बोला कि पाजी ये एक तो गलत है यार, ये आओ जरा आपको शुरू करवाया जाए जिम। वाह। तो विराट आया, शिखर आया, तो मैंने 2 दिन तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, ये खड़काते रहे। मैं छोड़ो मुझे पता है यही है, बट फिर मुझे लेके गए। बट वो ऐसा, वो कहते हैं ना कि वो लग गया कि करना है यार ये कम करना है, तो वो करते 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 कम हो गया। बट एक चीज़ थी, फिटनेस तो मैं करने लग गया, बट खाने का मुझे जो था ना शौक़ कि खाना यार कैसे छोड़ूँ अब, क्योंकि वो तो स्ट्रिक्ट मेरा हेडमास्टर बन गया था, ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना। तो हम नीचे बूफे लगा होता था तो वहाँ रसगुल्ले पड़े होते थे, और रसगुल्ले देखते ही ना मेरे जीभ में से ऐसे पानी गिरता था कि यार काश ये मिल जाए खाने के लिए। तो मैंने, हमारे एक पंजाबी में गाना है बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले, तो वो जब मैं रसगुल्लों के पास से गुजरता था ना तो मैंने चेते आंदे ने यार रसगुल्ले, तो मतलब वो रसगुल्ले याद आ रहे हैं, मतलब खाने नहीं दिए पर उसने। हरभजन सिंह एवरीबडी नोज इज अ फियरलेस बोलर, ठीक है, मगर एक जगह है जहाँ पे हरभजन सिंह जो मजाकिया है वो कम हो जाते हैं, एकदम सीरियस एक्सप्रेशन उनका हो जाता है। ग्राउंड में? वो ग्राउंड पे नहीं है, वो है हवाई जहाज में। लोग कहते हैं कि भाई अगर हवाई जहाज में थोड़ी टर्बुलेंस हो गई तो हरभजन सिंह थर्ड मैन में जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा हाइट से मुझे डर लगता है, और जब प्लेन ऐसे ऐसे करता है तो फिर दिल भी ऐसे ऐसे हो जाता है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है, पसीने छूट जाते हैं और सिर्फ भगवान का नाम ही याद आता है। तो अकेला मैं नहीं हूँ, जॉन राइट भी कैसे थे, तो मेरे और उनका कंपटीशन होता, जब जहाज हिलता था ना तो पूरी जो मेरे साथ 2-3 लड़के बैठे होते थे या उस तरफ बैठे होते थे, जहाज हिला मेरी तरफ देखते, मैंने कहा मेरी तरफ क्या देख, तू तो देखो ना यार मैं वैसे ही चढ़ा हुआ हूँ कि ये जहाज हिल क्यों रहा है। तो टर्बुलेंस से थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, और क्या करें, जो चीज़ है सो है। वीरूपा ने मेरे को कहा था कि वो भी डरते थे, मगर जब थोड़ा डर बढ़ जाता था तो सचिन पाजी के साइड में जाके बैठ जाते थे, लेकिन भगवान के साथ बैठे तो कुछ खराब नहीं हो सकता। बात तो सही है, ये हाशिम आमला ने भी एक बार बोला था कि ये सेम ही बात। बट वो मैं जॉन राइट की बात कर रहा था ना, मैं जॉन राइट का रंग इतना लाल हो जाता था, शायद गाजर भी फीकी पड़ जाए उसके सामने।
तो हम हंसते थे तो वो बैठ भी नहीं पाता था, खड़ा भी नहीं हो पाता था कि किसी तरीके से टर्बुलेंस बंद हो जाए। बट ये है कि ये तो कई दिखाते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, डर तो सबको लगता है, सबको लगता है। जब एकदम से नीचे होती है फ्लाइट तब पेट में से कुछ तो ऐसे निकल गया ऐसे लगता है। नीचे जाने की बात मत करो आप, ऊपर ऐसे ऐसे ही होता है तो दिल ऐसे हो जाता है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तो मतलब बंदा घबरा जाता है कि सिर्फ भगवान का ही याद आता है। सर आप तो किसी से डरते नहीं होंगे क्योंकि आप सलमान खान के फैन हो, और वो जो फेमस इंसिडेंट जहाँ पे आपने 100 बनाए तो डेडिकेटेड टू सलमान खान, एक बार करके दिखाओ और स्टोरी बताओ उसकी। क्या सर, जरूर बताऊंगा, बट डर से रिलेटेड एक पहले बता दूं कि आदमी डरता तब है जब उसको पता रहता है वो कुछ गलत कर रहा है। तो अगर मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो मैं डरूंगा क्यों? फ्लाइट में मैं क्या गलत कर रहा हूं जो मुझे डर लगेगा? अरे नहीं, गलत तो फिर भी वेदर कर रहा है, पायलट भी नहीं कर रहा, वेदर कर रहा है। तो तो वो जिम्बाब्वे वाला स्टोरी था सर, कि जो मेरा पहला इंटरनेशनल 100 था, तो उसके पहले मैंने डेब्यू किया था रांची में, बट आई गॉट आउट अर्ली। उसके बाद हम जिम्बाब्वे गए 3 वनडे के लिए। तो जैसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए पहली बार हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एंटर किया, तो स्टेयर्स स्टार्ट के इधर ही उनका बोर्ड है कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1985, एंड इट इज़ द सेम मंथ एंड ईयर व्हेन आई बॉर्न। सो आई थॉट दिस इज़ ग्राउंड की जर्नी और मेरी इस दुनिया में जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई है, तो ये ग्राउंड मुझे कुछ देगा। तो इस बिलीव से मैं उस सीरीज़ में खेल रहा था। फर्स्ट मैच में मैं जल्दी आउट हो गया, सेकेंड मैच में 6-7 ओवर बचे थे तो आई हैड टू गो फॉर द क्विक रन्स, उसमें मैं 15-16 पे आउट हो। तो आखिरी वनडे था उस सीरीज़ का और मेरा चौथा वनडे था, तो ऑलरेडी पहले 2 जिम्बाब्वे वाले और 1 रांची वाला, 3 वनडे में फेल हो गया। तो इंटरनेशनल स्टेज पर ये मुझे आखिरी मौका था अगर मैं कुछ कर नहीं पाया था। तो मुझे याद है कि उसमें भी जब मैं बैटिंग कर रहा था स्टार्ट कर, तब 10-15 रन पे शायद मैं एक डिफेंस किया, ऐसा बॉल एकदम हल्का सा एज लगा था, उनके कीपर ने अपील भी की, बॉलर उतना कॉन्फिडेंट नहीं था बट एज तो लगा था, तो मैं ऐसे थोड़ा सा नर्वस था बट मैंने थोड़ा एक्टिंग स्किल्स यूज़ किया था, ऐसा रिलैक्स था तो अंपायर ने आउट दिया नहीं, तो मुझे लगा यार ठीक है एक और एक साइन है कि ये मेरा दिन हो सकता है। तो उसके मैं खेलते गया, फिर 40 पे बैटिंग कर रहा था, 40 पे उनका कैप्टन था जो ग्रैम क्रीमर, वो लेफ्ट उसने गुगली डाला, तो मैं कट मारने गया तो वो ज़्यादा बाउंस होके हैंडल पे लगी और पॉइंट पे ऐसे खड़ी हो गई। हाँ। तो जब बॉल ऊपर जाके उसके हाथ में पहुंचे तब तक मुझे पूरा ऐसा मेरा करियर दिख रहा था कि केदार जाधव 4 वनडे खेले, हाईएस्ट 40 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ। बस तो बोला यार भगवान ऐसे नहीं हो सकता, और मैं देख रहा हूँ कि इतना आसान कैच, मतलब कि कोई भी पकड़ लेगा, उनके कैप्टन, हाँ उनका कैप्टन ऐसा स्माइल कर रहा था पकड़ते वक्त भी, और वो गिरके ऐसे बाहर गिर गया। तो मैं बोला यार इससे बढ़िया मौका अभी भगवान मुझे बता रहा है, गधे और कितना मैं तू भी कुछ कर ले, तू भी कुछ कर ले। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज ये मेरा दिन है और मैं यहाँ अभी कम से कम 100 बनाऊंगा। तो मुझे याद है 41st ओवर में ये कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद मैंने 50वें ओवर के सेकेंड लास्ट बॉल पे मुझे 3 रन चाहिए थे, तो मुझे याद है कि अगर सेकेंड लास्ट बॉल पे मैं मिस टाइम में कर लेता हूँ और स्ट्राइक रोटेट हो जाता है तो मैं 98 पे नॉट आउट रह जाता क्योंकि आखिरी बॉल स्टुअर्ट खेल जाता। तो मुझे पता था कि इसी बॉल को करना है, तो मैं थोड़ा शफल कर गया, तो वो थोड़ा पैनिक करके फास्ट बॉलर ने ही ट्राइड टू फॉलो मी और उसने यहाँ हिप हाइट का फुल टॉस दे दिया, तो मैंने इसे मार के छक्का मार दिया। और मुझे अभी भी याद है कि सिंस चाइल्डहुड आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान, तो मुझे था कि यार ये मेरा ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला पल है अब तक का, तो मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ कि मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, आई वॉन्टेड टू शो हिम मैं आपका फ़ैन हूँ। तो मैंने जैसे ही सेलिब्रेट किया ऐसे बैट रखा, नीचे हेलमेट उतारा और डायरेक्ट मैं ऐसे टांग करने लग गया। तो बज्जूपा तब थे मुझे याद है, और बज्जूपा मुझे बिग स्क्रीन पे दिख रहा था, वो भी बज्जूपा भी ऐसे कर रहा था। तो आई वाज लाइक यू नो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट दैट टाइम फॉर मी माय लाइफ, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल एज अ क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला सेंचुरी किया था, एंड यू नो आई कुड डेडिकेट दैट टू यू नो माई लाइक चाइल्डहुड हीरो सलमान खान। सो इट वॉज अ कम्बाइंड ऑफ बोथ क्रिकेट एंड यू नो माई चाइल्डहुड हीरो लाइक, सो इट वॉज अ गुड फीलिंग दैट जो वॉक इनकी है सर सलमान भाई, जबरदस्त अनबिलीवेबल, सलमान की भी वॉक इतनी अच्छी नहीं होगी, क्या बात है। नहीं सर मेरी एक्टर बहुत अच्छा है, अभी नाना पाटेकर की भी, उनकी भी एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। करो सर। और जी फिलहाल रोहित शर्मा भी पीछे पड़े हैं मुझे रेस 4 के लिए प्रमोट कर रहे हैं बार बार। सर एक काम करते हैं, आप नाना पाटेकर जैसे उत्तर देना, मैं आपको रवि शास्त्री जैसे सवाल पूछूंगा। सर आई थॉट केदार
No, sorry, Rive. I thought, Nana, you played well. What is your take on this issue? हमेशा ही अच्छा खेलता हूँ, इसीलिए तो लिया है ना. बराबर. अब बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की. ड्वेन ब्रावो कहते हैं कि टीम मीटिंग ही नहीं होती आपकी. MS धोनी ने बहुत बार कहा है कि टीम मीटिंग 5 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट. तो अगर टीम मीटिंग नहीं होती, कॉरपोरेट में हमने देखा है कि सब मीटिंग पे खेल चल रहा है सर, आपकी मीटिंग ही नहीं होती मगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हर मैच जीत रही है, हो क्या रहा है सर? इस साल जब पहले मैच के लिए हम मीटिंग के लिए पहुँचे तो मैंने यार वो जो कॉफ़ी सर्व करने वाला बंदा रहता है उसको बोला यार एक कॉफ़ी दे दो. तो कॉफ़ी लेके मैं चेयर पे बैठा, मीटिंग स्टार्ट हुई. जैसे मैंने पहला सिप पिया तो फ्लेमिंग ने बोला चले, तो चले मतलब एक दो लाइन बोली उसने और बस मीटिंग ख़त्म. तो मैं कॉफ़ी ऐसे पी के रख गया वापस और चलने पड़े. दिस टीम बिलीव्स इन डूइंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड. आई फील रादर देन कीपिंग मीटिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ना मीटिंग्स जो है वो कन्फ्यूज़ कर देती है. तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वो सीधा जाके मैच खेलते हैं, जो करना है अंदर करना. आपका काम पता है वो करते रहो. और देखिए सब बोलते हैं हमारी डैडीज़ की टीम है एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी ए डैडीज़ टीम. ठीक है, हम एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और जो एक्सपीरियंस है ना वो कोई पेड़ों पे लगा नहीं है, कहीं घूम फिर के नहीं खरीद उस. हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रह के मेहनत मशक्कत करके जब वो आप एक मतलब वो कहते हैं ना सफ़र तय करके तभी एक्सपीरियंस आपको मिलता है. डैड्स आर्मी आपको कहते हैं विद सो मेनी किड्स ऑन द फ्लोर वेयर द CSK टीम स्टेज, उसका भी फ़ायदा ही होता होगा. जी मैं तो ऐसे देखता हूँ कि यू नो सारी बाकी की टीमें हैं जो 3-4 दिन में एक मैच खेलती है IPL का, बट हमारी ऐसी टीम है जो डेली बच्चों के साथ खेलती है और 3-4 दिन में एक मैच भी खेलती है. तो मतलब हम लोग ज़्यादा टच में हैं, हाई प्रेशर मैच है वो बाद में जो है सिंपल. तो और वो ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ पूरा दिन खेलना इज ऑल्सो लाइक पेशेंस, सब टेस्ट हो जाता है उसमें. यू नो आपको क्रिएट करना है कुछ तो सिखाना भी है, फिर एडजस्ट करना है कि आज उसका मूड कैसा है. तो इट इज़ लाइक यू नो प्लेइंग अ गेम कि यू हैव टू अडैप्ट कि कैसे बच्ची को कैसे फील हो रहा है. आज उसको अगर ज़्यादा चॉकलेट खाया तो कम चॉकलेट अभी नहीं देना है, तो वो कैसे टैकल करना है. तो एवरीथिंग कम्स इन दैट आल्सो. ऑल लीडरशिप इज इन दिस पोजीशन. बिल्कुल. सो यो टेस्ट यहाँ पे रो टेस्ट को सॉल्व कर. नाउ दिस सेगमेंट इज कॉल्ड द हैमर गेम सेगमेंट. इसमें क्या है सर, मेंटल स्ट्रेंथ तो आपकी चेक कर ली, वो क्रिकेट में दिखी जाती है. यहाँ पे हम फिजिकल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, हैमर उठाना है और जोर से मारना है. लास्ट टाइम आप बहुत अच्छा खेले थे और देखना है कि किसका स्कोर किससे ज्यादा है. टॉस होगा इसमें? नहीं, टॉस जरूरत नहीं, दिख जाएगा सर. मारो और पता करो. नहीं, पहले कौन जाएगा? पहले कौन जाएगा? सीनियर खिलाड़ी. तो डिसाइड. चलो सर. पहले मेरा भाई जाएगा. ऑफ स्पिनर और सेमी ऑफ स्पिनर, ये है हमारा हैमर गेम. क्या डिसीजन लिया आपने, कौन जाएगा पहले? केदार यादव जाएंगे पहले. चलो ठीक है. कम ऑन सर, लास्ट ईयर का आपका रिकॉर्ड है 907. अरे बाप. वेल डन, इट्स अ गुड नॉक. शाबाश शाबाश शाबाश. 923. वेल डन, फुल रिकॉर्ड तोड़ दिया. क्या बात है सर, जबरदस्त. हरबल सिंह शाबाश शाबाश. एक मिनट, पीठ बड़ी स्टिफ है, उसको भी ठीक कर ही लूं. न्यू जनरेशन को आपने मौका दिया और उन्होंने मौके का फायदा उठाया. अब इनका टाइम है ना, इनको ही करना है. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. This is very important class for all of you. You have to concentrate hard. आपको duck बनाने और quality. मैं बहुत बना चुका हूँ यार. कितने बनवाओगे? इसलिए ना थोड़ा सा भी focus करके आपको ये paper में बनाना है. केदार, come on. Yes. Your time starts now. Good. और आप you can use colors. हरभजन सिंह, अगर इसमें pass हो गए ना आप, तो your daughter will be proud of you. Oh, nice. Very good, यार. मैंने तो सिंपल एक नलका सा बना दिया. क्या बात है, आर्टिस्ट 1 करोड़ रुपए में बिकेगा ये.